तो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, वो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है, राइट। सो मैंने बताया था आपको कि उसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कोई मीन्स लगाने पड़ेंगे जिससे हम रोटर को इतने स्पीड से स्टार्ट कर सकें कि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ घूमे, और जब वो लॉक स्टेटर फील्ड के साथ रोटर लॉक हो जाएगा तो हम लोगों की मोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ रन करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो हम रोटर को घुमाने का जो तरीका है स्टेटर फील्ड के साथ ताकि वो घूम सके, उसको स्टार्टिंग करने के लिए, तो सबसे पहले तो हमें तो पहला मेथड है वो है स्टार्टिंग, डैम्पर वाइंडिंग। क्या है डैम्पर? अब हमने डैम्पर वाइंडिंग नथिंग बट इट इज, इस कई बुक्स में इसको सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर का मतलब है कि इस मोटर को हम इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करते हैं। अगर इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग प्रिंसिपल अगर आपको याद हो तो इंडक्शन मोटर में क्या था, यदि देयर वाज अ रोटर, इस तरह से रोटर में ये रोटर के कंडक्टर्स थे, ये स्टेटर को हम थ्री फेज सप्लाई देते थे, यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, वो इस तरह से रोटेट करती थी। जब वो फ्लक्स कटिंग इन कंडक्टरों में होती थी तो इन कंडक्टरों में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। लेंजेस के अकॉर्डिंगली इन ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होती थी कि ये अपने कॉज को अपोज करती थी, कॉज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी जो कि ऐसे का दौड़ रहा था, तो उस कॉज को खत्म करने के लिए ये रोटर भी ऐसे का दौड़ना शुरू कर देता है, राइट। सभी रोटर ऐसे का दौड़ना, तो सेम प्रिंसिपल इज बींग यूज बाय हेयर फॉर स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर। और उसमें क्या है, हम लोग यूज करते हैं डैम्पर वाइंडिंग। अब डैम्पर वाइंडिंग देखो कहाँ पर है, डैम्पर वाइंडिंग ये मेरा रोटर है, यहाँ देखो मैंने डैम्पर वाइंडिंग के जो है डैम्पर वाइंडिंग बार्स हैं, BARS लिखा है, डैम्पिंग वाइंडिंग बार्स, ये देखो ये डैम्पर वाइंडिंग डालनी होगी। अब होगा क्या, होगा क्या, जब ये थ्री फेज सप्लाई आप देंगे स्टेटर को, तो स्टेटर पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ऐसे को रोटेट कर रहे तो ये फ्लक्स कटिंग करेंगे इन वाइंडिंग में, आप क्योंकि ये वाइंडिंग बार जो है ये शॉर्टेड है आपस में, राइट। सो जब ये ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट सर्कुलेट करेगा, और फ्लक्स जो है फ्लक्स इस तरह से बनेगा कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा, कॉज क्या था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऐसे का दौड़ रही, तो ये कॉज को खत्म करने के लिए रोटर ऐसे को चलना शुरू कर देगा। जब ये ऐसे को शुरू कर देगा चलना, तो अ स्टेज विल कम व्हेन एन एस स्टेटर विल बी लॉक विद एस ऑफ रोटर। नाउ दिस इज द टाइम when the rotor will lock with stator magnetic field, और उसके बाद ये मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड की तरह चलना शुरू कर देगा, फाइन। दिस इज हाउ योर डैम्पर वाइंडिंग्स जो है ये स्टार्ट करने के लिए इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये स्टार्ट करना, जब ये हम लोग करते क्या बेसिकली, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, जब ये डैम्पर वाइंडिंग चलना शुरू हो जाएंगी, अभी इसमें हमने डीसी सप्लाई नहीं दी है, राइट, नो डीसी सप्लाई। जब ये नियरली सिंक्रोनस स्पीड पे थोड़ा सा चलना शुरू कर देगा आपका स्टेटर फील्ड, क्या क्योंकि हमें पता है कि इंडक्शन मोटर में क्या है, इंडक्शन मोटर में स्लिप के साथ था, मतलब स्टेटर फील्ड जो है रोटर कभी आपके सेम नहीं होते थे, राइट। तो ये एनएस स्पीड से नहीं दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है इसके साथ साथ। अब मैं क्या करूँ, डीसी सप्लाई को ऑन कर दूंगा, जैसे मैं डीसी सप्लाई को ऑन करूंगा मेरे यहाँ पे मैग्नेट्स बन जाएंगे, जब ये मैग्नेट्स बन जाएंगे तो नाउ इट इज ईजी फॉर रोटर, नाउ इट इज ईजी फॉर रोटर टू मैच विथ अब जब ये मैग्नेट बन गया तो अब इसको ईजी हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं स्पीड इसके मैग्नेटिक रोटर स्टेटर पोल के साथ लॉक कर देगा, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट दिस सिंक्रोनस मोटर एज अ इंडक्शन मोटर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डैम्पर वाइंडिंग्स, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, कि आप इंडक्शन मोटर को
सॉरी सिंक्रोनस मोटर है आपकी, ये इसमें 3 फेज सप्लाई आ रही है, इसको आप किसी छोटी दूसरी मोटर के साथ कपल कर दो, ठीक है। यू कैन कपल इट विथ सम इंडक्शन मोटर, राइट, क्योंकि इंडक्शन मोटर भी 3 फेज सप्लाई पे चलती है। इंडक्शन मोटर का कपल कर दिया और आप इंडक्शन मोटर से सिंक्रोनस मोटर को चला सकते हैं, ठीक है। तो अब लेकिन वो है कि ये जो इंडक्शन मोटर है ये बस बार के साथ आपको सिंक्रोनाइज करनी पड़ती है, ठीक है, राइट। और तीसरी जो है ये इंडक्शन मोटर की जगह आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग डीसी मोटर, राइट। तो डीसी मोटर के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ आईएम की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज अ डीसी मोटर इंस्टेड ऑफ आईएम कपलर, ठीक है। इन तीनों मेथड में सबसे ज़्यादा जो मेन कॉमनली यूज़ होता है वो डैम्पर वाइंडिंग वाला ही होता है, क्योंकि डैम्पर वाइंडिंग हम लोग कंस्ट्रक्शन के टाइम ही इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसमें आपका सेपरेट जो है एक्सपेंडिचर है जब आप सेपरेट इंडक्शन मोटर्स को यूज़ करते हैं। सो आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग मेथड इसके क्या है, ठीक है, राइट। थैंक यू, थैंक यू।